नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। आइए देखते हैं आज की पांच बड़ी खबरों में क्या कुछ है खास। नेपाल की पवित्र नदियों का जल अयोध्या पहुंचा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जल का होगा प्रयोग। गंगा सागर की 7-16 नदियों का जल पहुंचा अयोध्या। कार सेवकपुरम में जल यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम, शाम 3 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 19 हेल्थ एटीएम का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा किट का वितरण करेंगे। नए साल के जश्न पर बर्फबारी के कम है आसार। धनोल्टी, कड़ाताल व बुरांशखंडा में पर्यटकों का जमावड़ा। मौसम की बेरुखी पर्यटकों को कर सकती है मायूस। मौसम विभाग ने आगामी दिनों को लेकर जताई आशंका। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा पहुंची बरेली। अजय राय के नेतृत्व में यात्रा पहुंची बरेली। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के पास सिर्फ कोरी बातें हैं। केजीएमयू के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। वक्त पर वेंटिलेटर ना देने पर 2 मरीजों की मौत हो गई। ट्रामा सेंटर के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगा है। बता दें कि कुलपति सोनिया नित्यानंद ने जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल की आज 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।